दोस्तों मेरा नाम परमजीत तुहाडा इस चैनल पर स्वागत करता हाँ। तो अज तुहाडे सामने एक होर किताब का रिव्यू लैके पेश होया हाँ, जिसका कि नाम है एट फेसबुक। तो इस दे लेखक हैं सुभाष परिहार। तो प्रकाशित किया इन्हों पीपल्स फोरम बरगाड़ी पंजाब वालों। तो इस किताब का जो प्राइस है 200 प्राइस प्रिंट पर लिखा हुआ। तो तुहानू शायद 10-15% जो डिस्काउंट मिलता है तो तुहानू 160 या 70 की आसानी नाल प्राप्त हो जाए। तो इस किताब बारे गल करते हैं, जिमें कि तुसी इसका नाम देख रहे हो एट फेसबुक, जाने कि जो लेखक वालों फेसबुक अपनी आई डी ते जो पोस्टा की गई ने, चाहे वह धर्म बारे हो, चाहे वह राजनीति बारे हो, चाहे किताबों बारे हो, चाहे कोई आपके पुराने जीवन जिहड़े अध्यापक साथी या दोस्त मित्रां बारे हो, सारियां चीज़ां जो देखण वाले फेसबुक यूज करने वाले ने इन्ना प्यार दिता तो खुशवंत बरगाड़ी ने लेखक नूं यह सुजैशन दी कि इस पोस्टा नूं किताब का जिहड़ा एक रूप दिता जाए। किताब लई दूजी प्रेरणा बारे लेखक दसदे हन कि प्रोफेसर सुरजीत हांस होरां दी किताब साकीनामा पढ़ के मिली, जिस विच आले दुआले दे जन जीवन बारे ते किताबां विच छोटियां छोटियां टिप्पणियां बहुत ही दिलचस्प लगियां। तां दूजी तरीके नाल जिवें आपां इस दी एग्जाम्पल एक होर भी देख सकते हैं, जिवें नरेंद्र कपूर जी अपनी किताब माला मणके जां अंदर झात जां उदां दीआं किताबां दे विच छोटियां छोटियां कहानियां छोटे छोटे विचार होंदे आ तां उह वी इक अलग विधा बन गई। तां मेरा मनना कि इह वी इक अलग विधा है ते शायद आउण वाले सालां दे विच होर इदां दीआं किताबां देखण नूं मिलणगीआं, जो क्योंकि अजकल सारे ही सोशल साइटां यूज करदे आ ते अपने जो आले दुआले बारे प्रतिक्रिया दिंदे रहिंदे आ ते जिन्हां नूं लोक ज़्यादा पसंद करते ज़्यादा शेयर करते हैं तो शायद उन्होंने किताब का रूप देना भी चाहिए। जिमें कि तुसी तत्करा देख ही रहे हो तो किताब के अपने अध्यापक साथियों बारे धर्म बारे जो लेखक नूं किताबां पढ़िया कित्थों लगन लगी किहड़ियां किताबां ते किहड़े लेखक ज़्यादा पसंद ने, इह जिहियां अणमुल्ली जानकारियां इस किताब के परोईआं गईआं ने। जिमें अध्यापक साथी का एक किस्सा शेयर करते हैं कि एक गुरनाम जो उन्होंने साथी से अध्यापक कुलदरिया जो जॉब कर रहे थे तो उत्थे की सी जो अद्धी छुट्टी होंदी सी तो लेखक दस रहे कि सानू दुध पीण की आदत सी, असी दुध पींदे सी, एक गोपी राम जिहड़ा उत्थों दा पोस्टमैन सी दुध लैके आउंदा हुंदा सी, जो दुध दे विच पानी आण लग गया मतलब दुध पतला सी तो कहिंदा मैं गुरनाम नूं आख्या कि यार दुध पतला है दुध दे विच पानी पाण लग गया गोपी, तो वह कहिंदा कोई गल नहीं आपां गुरनाम कहिंदा कह दांगे। तो गुरनाम जो गोपी आया दुध लैन तो गुरनाम बोलता हाँ भी गोपी रामा किवें आ, वह कहिंदा जी ठीक आ, तो उन्हूं दसदा कहिंदा अपनी गां नूं ना इधर पानी दे छप्पड़ वल नाण दिया कर, कल शायद तेरी गां कहिंदा जिहड़ा ज़्यादा पानी पी गई। तो वह शर्मसार हो गया गोपी क्योंकि वह समझ गया सी गुरनाम का व्यंग। तो इदां दे व्यंग छिपे हुए ने इस किताब दे विच जदों अपने साथियों बारे दसदा। तो उस तरह दूजा किस्सा है कि हस्तकला ते कला दे विच बहुत सोहना अंतर दस्सिया कि कला वह हुंदी है जिहदे विच कल्पना होवे, जिहड़ी जिवें मान लो कि टोकरे बणदे आ तूत दी छटी दे, तो जिसने पहली बार टोकरे बनाए वह कला है, तो जो वह चीज़ दे सारे लोग करन लग गए देख देख के सीख गए वह हुंदी हस्तकला। तो कहने का भाव है लेखक की जो हस्तकला होंदी है वह ट्रेनिंग लैके सीखी जा सकती है, पर जो कला होंदी है वह यूनीक होंदी है, उहदे विच कल्पनावां होंदियां ने। जे अज जहाज़ जां कुछ भी मशीनरी बनी है कारा मोटरसाइकिल तो वह पहला किसी की कला सी, इट मीनज कि वह कल्पना कीती सी, उदों बाद उन्हां दी देख रेख दूजियां चीज़ां दूजे लोग बनाउण लगे तो वह की है हस्तकला हो गई, ओनली स्किल हो गई। लेखक धर्म वड्डा के विज्ञान दे विच दसदे आ कि धर्म नालों विज्ञान की श्रेष्ठता इस गल तो साबित हो जाती है कि धार्मिक लोग अपने आप अपने धर्म नूं विज्ञानिक सिद्ध करन दा यतन करते रहिंदे हन, पर कोई भी विज्ञानिक विज्ञान नूं धार्मिक सिद्ध करन दा यतन नहीं करता। तो किन्नी मतलब मैनूं बहुत वधिया लगी इह गल कि जो धर्म वाले हुंदे आ उह अपने आप नूं विज्ञानिक सिद्ध करन दी कोशिश करदे आ, पर कदे भी विज्ञान वाले उह अपने आप नूं धार्मिक जां धर्म नूं सिद्ध करन दी कदे कोशिश नहीं करदे। बाकी इस किताब विच लेखक नूं फोटोग्राफी दा शौक है तो अपनी फोटोग्राफी इहदे विच कैच कीती हुई है कि जिथे जिथे उन्होंने फोटोग्राफी लई ते किवें लई किहड़े हालातां च, इह जिहियां चीज़ां भी आपां नूं इहदे विच मिलदियां ने। तो शायद जिन्हों फोटोग्राफी का शौक है तो वो भी यह एक बेहतरीन किताब है, अणमुले दसदे कि कितों किमें बनाईया ने लेखक ने। तो इदा ये चीज़ा तुसी देख सकते हो, एक मंजे की तस्वीर है, ये पिछे भी एक कहानी है जो तुसी किताब शायद पढ़ोगे तो इस बारे जान सकोगे। तो किताब बारे मैं यही कहना चाहूँगा कि तुहानू इहदे विच कुछ ना कुछ नवं जरूर मिलेगा, खास तौर पर जो नवे पाठक पढ़ते हैं उन्होंने भी ये ईजीली है पढ़ना, बहुत ही आसान है। शुरुआत जिहड़ी हुंदी हासी ठठियां नाल हुंदी है व्यंग नाल हुंदी है, तो एंड तक ये किताब बोर नहीं करती, तो तुहाडे लई होर किताबां दे
रास्ते भी खोलती है। तो यह किताब तुहानू जरूर पढ़नी चाहिए है। बाकी ये रिव्यू किवें लग्या, ये तुहाडी दिलचस्पी इस रिव्यू नू सुन के होई या नहीं वह जरूर दसना। होर कोई किताब का रिव्यू चाहिए हो भी कमेंट बॉक्स के करना। तो सब तो जरूरी गल चैनल नू सबसक्राइब करना, तो जेडे किताबों पढ़ते हैं उन्होंने तक यह जी वीडियो यह जे चैनल जरूर पहुँचा देना। धन्यवाद जी।